बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों टॉपिक, और दोनों पे कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। पहला टॉपिक है हुरूब रिमूव के बारे में। मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे कॉल करके इस पर बहुत ज़्यादा ही पूछा गया कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताइए, सच्चाई क्या है, कैसा हो सकता है, हुरूब रिमूव हो सकता है अभी। और दूसरा पूछा गया है सबाखास हाउ ड्राइवर का ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं। बात हमसे जो स्पेशली व्हाट्सएप पे जो कॉल करके एक नहीं बहुत सारे लोगों ने जो सवाल किया है कि क्या हुरूब रिमूव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हुरूब रिमूव होने का कहीं भी कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था हुरूब के क्या प्रोसीजर हैं, क्या रिमूव होने के पूरी मैंने डिटेल्स में बात की थी कि हुरूब इस कंडीशन पर रिमूव हो सकते हैं। पर अभी कहीं भी मैं आप इसीलिए तीन बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है कि हुरूब रिमूव होना शुरू हो गए हैं, और ना ही अभी तक किसी के रिमूव हुए हैं। ये है कि अगर बात निकली है तो बात जाएगी आगे तक ज़रूर, आज नहीं कल। ये हुरूब का सिस्टम सऊदी अरब से जाना है, क्योंकि हुरूब पे बहुत ज़्यादा ही बातें सऊदी अरब ख़ुद कर रहा है। हम लोग तो बाद में करेंगे, उनके करने के बाद ही हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पर सऊदी अरब ख़ुद इस पर एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग को हुरूब कैंसिल करना चाहिए या हम आपके हुरूब की ताकत छीन लेंगे। अपने कफीलों को डरा रहा है, यानी डराने का मतलब कि उन लोगों को भी लगता है कि हुरूब कैंसिल होना चाहिए। अगर सऊदी अरब को आगे जिस टॉपिक पर सऊदी अरब काम कर रहा है, विज़िटर पर या टूरिज़म पर काम कर रहा है, तो उनको हुरूब की ताकत अपने कफिल से लेनी ही पड़ेगी आगे चल के। जब तक हुरूब की ताकत नहीं छीनेंगे, जब तक सऊदी अरब उस पर काम नहीं कर सकता। ये सऊदी अरब का लॉ भी जान रहा है, सिस्टम भी जान रहा है कि आज नहीं कल इंशाल्लाह हुरूब को हटना ही है। पर अभी ऐसी कहीं भी हुरूब की इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका हुरूब लगा हुआ रिमूव आप करा सकते हैं। उसमें दो तीन शर्त बताई गई है जिसमें मैंने स्पेशली बहुत डिटेल्स में बात की है, तो अभी आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पर मिल जाएगी। मैंने उस पर बहुत क्लियरली बोला था कि हुरूब रिमूव होगा कि नहीं, तो आपको वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि हुरूब रिमूव हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मुझे स्पेशली दो तीन वीडियो शेयर भी की गई और जिसके ऊपर बताया गया कि हुरूब अब कैंसिल हो रहा है, तो स्पेशली जिसका लगा हुआ है वो बेचारे को, जिसका लगा हुआ है उन्हीं बेचारों के दिल से पूछे को कितनी तकलीफ़ में, कितनी मजबूरी में, परेशानी में, उनको झूठी न्यूज़ भी मिले तो भी उसको सच मान लेते बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हुरूब वाला कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई और ज़्यादा से लोग काम कर रहे हैं, और हर कोई सोचता है कि हम अपनी रोज़ी रोटी को हम बचा लें। हुरूब एक ऐसा कानून है जिसमें एक ही शर्त है कि अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, सऊदी अरब में छिप के करो, घर गए तो वापस सऊदी अरब में लाइफ टाइम के लिए नहीं आ सकते हो। तो हर कोई सोचता है कि सऊदी अरब से जाएं तो वापस सऊदी अरब के अंदर आए, क्योंकि यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ काम करने का तरीका अच्छा है, लोगों का रहना सहना सब कुछ एक दिल लग जाता है लोगों को। इस मिट्टी की बात ही ऐसी कि जो यहाँ आता है तो दोबारा सोचता है कि यहीं आए, दोबारा यहीं काम करें। तो ये एक अलग टॉपिक हो गया कि हुरूब का भी कोई भी इनकाम नहीं है, अभी हुरूब के बारे में कोई भी मुकम्मल डिटेल्स नहीं है कि हुरूब रिमूव हो रहा है। हुरूब के सिस्टम आए हैं क्यूवा में, ठीक है, हुरूब के सिस्टम क्यूवा में अपडेट नहीं हुए हैं, पर ट्रांसफ़र के ऑप्शन आए हैं। पर वो भी अभी, जैसे आप लोगों को पता है, जब क्यूवा जब पहली बार जब लॉन्च किया गया था, जब ट्रांसफ़र डालो तो ट्रांसफ़र ही नहीं ले रहा था, 6-6 दिन 7-7 दिन तक उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं। पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्यूवा के अंदर ट्रांसफ़र डालते ही क्यूवा ट्रांसफ़र एक्सेप्टिंग फ़ौरन करता है, ठीक है, यानी अगले कफिल पास फ़ौरन मैसेज जाता है। पहले 7-8 दिन बाद मैसेज जाता था कि ट्रांसफ़र ले आपको आया है, कफिल 7 दिन बाद उसको पता चलता था, फिर उस 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, 6 दिन लग जाता था कैंसिल करने उसका, उस तक मैसेज जाने। पर अभी क्यूवा जो है बहुत स्पीडली काम कर रहा है। हुरूब के भी सिस्टम क्यूवा के अंदर अपडेट होने वाले, जिस तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट की है, जिस तरह की मेरा लिंक है ऑफिस में, मैंने उनसे बात की है, उन लोगों ने बोला कि जल्दी क्यूवा के अंदर भी हुरूब के सिस्टम आएंगे। पर उनके लिए जो शर्तें रखी गई हैं, जो शर्तें बोली गई हैं कि हुरूब कैंडिडेट का जिस मुसस्से में पहले काम करा था वो कफिल कंपनी बंद हो जानी चाहिए, तब जाकर आप हुरूब को रिमूव करा सकते हैं और सारी चीज़ें, फिर आपका एक कफिल होना चाहिए जो आपका नकल कफाला कराए, पूरे हुकूकात को पूरा करे, जो आपकी जो लेट फाइन है, अकामे के सारी चीज़ उसको पूरा करे, उसके बाद आपके हुरूब रिमूव हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे ये इन सारी चीज़ों शर्त और भी उसके अंदर मैं 3-4 ऑप्शन बताए हैं। पूरी शर्त मैंने जो डिटेल्स में थी मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट भी डाल दी थी कि आप खुद भी पढ़ सकें, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैंने हर लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट डाल दी थी। गूगल सऊदी अरब के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ है वो क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें आप वो सिंपली वीडियो देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि हुरूब रिमूव हो सकते हैं कि नहीं, उसके अंदर पूरी डिटेल्स में मैंने बात की थी। अब हम बात करेंगे सबाखास ड्राइवर कहीं ट्रांसफ़र ले सकता है कि नहीं, और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनका अकामा 3 महीने से ख़त्म है, उनका इस्तेमारा ख़त्म है, उनका लाइसेंस A to Z सारी चीज़ ख़त्म है, क्या वो दूसरे कफिल के पास हाउस ड्राइवर ही में क्या ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
तो इसमें जो बहुत ज़्यादा ही लोगों के, और उन्होंने स्पेशली उन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ों पे, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें डिटेल्स में भेजी भी है कि देखिए भाई यहाँ वेबसाइट पे ये बता रहा है, ये वेबसाइट पे ये बता रहा है, और ये यूट्यूबर ये बता रहे हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जो उसके बाद मैंने जो सर्च किया, जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन जमा की, मैंने उनको, एक हमारे भाई हैं उन्होंने स्पेशली मुझे इस चीज़ पे कमेंट करने मैसेज किया था कि भाई इसके बारे में मुझे डिटेल से सच्चाई चीज़ बताएं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जमा की थी, बहुत मेहनत किया था। तो उनका अगर अकामा ख़त्म है, किसी भी सबक खास का अकामा ख़त्म है, या लाइसेंस ख़त्म है, या उनका रुख्सा ख़त्म है, कुछ भी ख़त्म है, उसके बावजूद भी वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना, अगर आप सबा खास में काम कर रहे हो तो इसका ख्याल रखना है कि एक हाउस ड्राइवर कहीं भी, या कोई भी आमिली मंजिली का कोई भी वीज़ा या लेबर है जो कफ़ील लोग के इर्द गिर्द में काम करते हैं या खदामा होती हैं, इन लोग कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं विदाउट कफ़ील परमिशन के। अगर आपका कफिल जिसके पास अभी आप करंट काम कर रहे हैं, अगर भले आपका काम खत्म है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपके कफिल की परमिशन होना ज़रूरी है। अगर आपका कफिल ट्रांसफ़र देगा तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा, चाहे आपका अकामा ख़त्म है। अब अकामा ख़त्म है तो किसके लिए? वो हम लोगों के लिए, जिनके अकामे की फ़ीस जो है 10,000 रियाल होती है। आपकी अकामे की फ़ीस किसी की 100 रियाल होती है तो किसी की 650 या समथिंग इसी टाइप का होता है, हार्डली 650। तो आप लोगों के लिए सब सिस्टम नहीं है कि आपका अकामा ख़त्म हो गया तो आप ट्रांसफ़र ले लें, जैसे ही आप जाएंगे उसके दूसरे दिन वो आपको हरूप लगा देगा, फिर दूसरा लॉ लगा देगा, यानी आपका ट्रांसफ़र हो ही गया नहीं। अगर आपका पहला कफ़ील आपको ट्रांसफ़र देता है तो ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ये इसमें इन्फॉर्मेशन है कि अगर हाउस ड्राइवर है या अमिल मंजिली या कोई भी माजरे वाला या कोई बकरी वाला अगर है, अगर वो किसी कंपनी में जाना चाहता है और आपका कफ़ील आपको बोलता है कि आप चले जाओ, मुश्किल में आपको तनाजुल दे रहा हूँ, तो ये 100% नहीं हो, क्योंकि मेरे पास जो इसके हैं जिन्होंने खुद हाउस ड्राइवर में काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी तलाशा और उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र ले लिया और उनके कफिल उनको ट्रांसफ़र जो बहुत ही आसान तरीके सीधी तरीके से उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर आपका कफिल आपको ट्रांसफ़र देगा तो ही होगा। अगर आप एक हाउस ड्राइवर हैं, हाउस ड्राइवर का ट्रांसफ़र होना इम्पॉसिबल है अगर आपका कफिल परमिशन नहीं देता, भले आपका काम एक महीना ख़त्म हो चाहे 6 महीना ख़त्म हो, ठीक है। अभी ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है कि हाउस ड्राइवर अपना का ट्रांसफ़र विदाउट कफिल परमिशन के ले सकता है कामा ख़त्म होने के बाद। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप जाते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा आपके साथ होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने मेहनत करके जो सर्च करके जो मैंने पूरा डिटेल्स में सबा खास के बारे में पढ़ा है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक सबा खास एक हाउस ड्राइवर अपना अकामा ख़त्म होने के बाद कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकता है हाउस ड्राइवर ही में बड़े। तो ऐसा मेरे पास कहीं भी कोई मज़बूत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और जो मैंने सर्च किया उसमें साफ क्लियरली यही लिखा है। मैंने ऑफिस वालों से भी बात की जो खुद जावदात के लोग हैं, जो जावदात के आसपास में काम करते हैं, मैंने उनसे भी बहुत ज़्यादा ही बात की, उन्होंने इसी बात पे ओके किया कि नहीं सर, कोई भी सबा खास, कोई भी अमीली मंजिली, कोई भी खदामा ट्रांसफ़र नहीं ले सकती, चाहे कफिल का परमिशन देगा तो। अगर कफिल ट्रांसफ़र खुद देगा तो उसको खुद जवाबदात लेके जाना पड़ेगा अपने वर्कर को और बोलना पड़ेगा ये सामने वाले कफिल है, इसको मैं इससे ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, तो पॉसिबल है। अगर आपका कफिल एग्री नहीं करता है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए मुसीबत ही बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दोनों जवाब मिल गए होंगे, हाउस ड्राइवर के और हरूप के रिलेटिव के। अभी कोई भी ऐसे केसेस नहीं आए हैं, अभी कोई ऐसी मजबूत न्यूज़ नहीं आया कि किसी जो हरूप कैंडिडेट है वो अपना हरूप हटा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कुछ यूट्यूब पे या कहीं भी अगर आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो कोशिश किया कीजिए कि उन्हीं से कमेंट्स करके सवाल किया कीजिए। जब आप उनको कमेंट्स करेंगे तो उनको बोला कीजिए न्यूज़ आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में डिटेल से आप मुझे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए या फिर कॉपी पेस्ट करके उस न्यूज़ को भेज दीजिए। तो क्या होगा कि ऐसे आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है उन्होंने मेहनत करके कहीं से कुछ डिटेल्स निकाली होगी, तो इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी तो अच्छी बात है, सबको मालूम पड़ जाएगा। और अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो जाहिर सी बात आपका जवाब नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए कि उनसे सवाल किया कीजिए कि अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ी सी बातें और मैं ऐड कर दूँ, इससे नुकसान किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा और हमारे खारजी भाइयों का है। हमारी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आज सऊदी अरब में हज़ारों की तादाद में लोग हरूप में बैठे हुए हैं, वो बेचारे अपने परिवार से दूर हैं, अपनी रोज़ी रोटी से दूर हैं। एक छिप के काम करना और एक ईमानदारी से काम करना थोड़ा कम ही पैसा है, सर उठा के बाजार मार्केट घर पैसा भेजना जब दिल चाहेगा, अभी उनका घर जाने के दिल पर मजबूर है,
क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, और एक ऑप्शन है कि सऊदी अरब लाइफ टाइम के लिए आ नहीं सकते हैं, तो अब लोग जो है मजबूर हो जाते हैं। तो गलत सलत इन्फॉर्मेशन से ही हमारे भाई लोग गलत स्टेप उठाते हैं कि हाँ हरूप तो रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उसके बाद वो फंस जाते हैं और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है, हमें तो नहीं, क्योंकि हमने तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, बोल दिया, जब वो बोलेंगे तो बोलेंगे हम क्या करें भाई, सिस्टम चेंज हो गया। तो अल्लाह खैर करे आप लोगों के साथ। अगर ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर इंशाल्लाह हम आप तक लोग सबमिट करेंगे, और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोग तक अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, हरूफ से रिलेटिव या किसी चीज़ के बारे में। मैं इन्फॉर्मेशन को पहले सर्च करता हूँ, उस पर मुकम्मल अपने आप को मुतमईन करता हूँ कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, उसके बाद ही सर्च करता हूँ, क्योंकि मेरी एक इन्फॉर्मेशन आप लोग की लाइफ बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है अगर आप लोग अमल करना चाहें तो। ज़्यादा करता हूँ कि अल्लाह आप लोग के साथ बेहतर करे और आप लोग जो भी परेशानी उसे दूर करे, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि हरूप जल्दी से जल्दी रिमूव हो सऊदी अरब में। और रही बात सबा खास की, तभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन है कि सबा खास अभी ट्रांसफ़र नहीं ले सकता कहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और भी अच्छे टॉपिक पे बात करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन जमा करके आप लोग के लिए शेयर करें। तो अगर मन में कोई कन्फ्यूजिंग कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, कोई बड़ा सवाल कोई बड़ी कन्फ्यूजिंग। तो मैंने आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सअप नीचे देख रखा है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग की बेहतर से बेहतर अच्छी से अच्छी मदद की जाए। तब तक के रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।